मेजर क्रॉप्स। बहुत ही अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं जब भी कोई खेती करता है। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि ज्यादातर उगाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी मेन क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ज्यादातर उगाई जा रही हैं। और ना ही सिर्फ इंडिया में, हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि ज्यादातर देश जो है मेनली उगा रहे हैं। बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में ही जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी उससे कहीं गुना ज्यादा आज है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है खाने की वो भी बढ़ेगी। अब मान लो आपके घर में 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का जो पेट है वो 4 रोटी में भर जाता है, मान लो। ठीक है, बट अगर 2 लोग और आ गए आपके घर में तो उनके लिए भी तो खाना चाहिए। तो मतलब डिमांड जो है वो बढ़ जाती है पॉपुलेशन के साथ। तो अगर पॉपुलेशन के साथ क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए जो खेती है वो भी ज्यादा मात्रा में करनी पड़ेगी, जो क्रॉप है वो भी ज्यादा मात्रा में उगानी पड़ेगी। अब सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए ही क्रॉप जो है वो उगाई नहीं जाती। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि क्रॉप्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे बेस्ड रहते हैं। मतलब कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि क्रॉप बेस्ड है, मतलब कि जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कपड़ा कब तक नहीं बनाएगी जब तक कि उसका जो कॉटन है वो उसको नहीं रिसीव हो जाती। कॉटन से जो है वो धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा। तो कपड़ा कब तक नहीं बनेगा जब तक कि कॉटन उग नहीं जाती। तो ये क्या है, एक तरीके से क्रॉप्स पर बेस्ड है। इसी तरीके से काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्रॉप्स पे बेस्ड होती हैं। तो मेजर फूड क्रॉप्स जो हैं वो है वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। तो फूड क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कि खाने के लिए उगाई जा रही है। मेजर जो फाइबर क्रॉप्स हैं वो हैं जूट एंड कॉटन। तो फाइबर क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनसे कि कपड़ा बनना है। तो जूट जो है वो भी कपड़े बनाने के काम में आता है। जैसे जूट के बैग्स आपने सुने होंगे, गनी बैग्स होते हैं। तो इसे सन की खेती भी कहा जाता है। जूट को हिंदी में सन भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाला सन नहीं, हिंदी वाला सन। ठीक है, तो जूट की जो खेती है वो एक फाइबर क्रॉप है और कॉटन जो है वो भी एक फाइबर क्रॉप है। कॉटन से भी कपड़े बनते हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स हैं टी एंड कॉफी। बेवरेज मतलब जो आप पीने की चीज लेते हो, जैसे चाय जो है वो नॉर्मली लोग पीते हैं, कॉफी नॉर्मली लोग पीते हैं। तो ये क्या है, ये बेवरेज है। तो कॉमन जो बेवरेज है वो है टी एंड कॉफी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फूड क्रॉप से, राइस। तो राइस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में राइस की खेती की जाती है। ये एक स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन की। देखो ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया जो है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन से थोड़े ऊपर वाला रीजन। तो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वाला जो एरिया है वो है ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर वाला रीजन और साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से थोड़ा नीचे वाला रीजन। तो ये हो गए सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इन एरियाज में नॉर्मली राइस उगाया जाता है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो अब इन्हीं एरियाज में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर होता है। देखो ट्रॉपिकल रीजन हमें पता है, यहाँ पे सनलाइट जो है सबसे ज्यादा आती है। अब यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ट्रॉपिकल रीजन हैं जहाँ पे लगभग रोज बारिश होती है। आप साउथ में ही देख लो, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे लगभग रोज बारिश होती है। बहुत ही मतलब ऐसा मौसम है ये आपको लगेगा वहाँ हर रोज ही मानसून आता रहता है। मतलब लगभग पूरे साल ही मानसून चलता है, ऐसा लगता है वहाँ पे। इसी तरीके से कोलकाता वगैरह जो है, आप वेस्ट में जो वेस्ट बंगाल के जो रीजन्स हैं वहाँ पे भी ऐसा है कि वहाँ पे लगभग रोज बारिश होती है। तो इस तरीके से जो राइस है उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो नमी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए और रेनफॉल ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो जो इलाके हैं जहाँ पे भी ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे आपको नॉर्मली राइस की खेती देखने मिलेगी। ये एलुवियल क्ले सॉइल में ज्यादा अच्छे से उगता है। मतलब कि कैसी मिट्टी में उगाया जाता है राइस, तो एलुवियल होनी चाहिए। एलुवियल सॉइल क्या होती है, जैसे कि जो नदी के किनारे आपको नॉर्मली सॉइल मिलेगी ना, उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्ले सॉइल, क्ले मतलब कि जो क्ले की तरह सॉइल होती है, जैसी वो बहुत ही चिकनी सी होती है। क्ले सॉइल ऐसी होती है कि बहुत ही ज्यादा उसमें मॉइस्चर रहता है, विच कैन रिटेन वाटर। तो ऐसी ये सॉइल रहती है जिसमें कि ज्यादा पानी बहुत देर तक रुक सकता है। अब क्योंकि राइस को उगने के लिए ज्यादा पानी चाहिए तो वो उन्हीं ऐसी सभी कंडीशंस में उगेगा जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा बारिश हो, ज्यादा
पानी को सोखने वाली क्ले सॉइल हो तो क्ले सॉइल एंड एलिवल सॉइल में होता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो चावल है वो चाइना में उगाया जाता है, उसके बाद इंडिया में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, फिर जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो ये प्रोडक्शन के लेवल पे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा चावल होते हैं उसके हिसाब से कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं। चाइना सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिया, देन जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशंस है जो कि फेवरेबल है, मतलब कि अच्छी कंडीशंस है जो कि क्रॉप्स को सपोर्ट करें, फेवर करें, तो ऐसी कंडीशंस में जो क्रॉप्स हैं वो एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं पूरे साल में। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में क्या होता है कि एक से ज्यादा क्रॉप जो है साल में उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं वीट की। अब वीट को उगने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब राइस के लिए हाई टेम्परेचर था, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बट वीट के लिए मॉडरेट मीडियम वाला टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन, ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो जब इसके उगने का समय होता है तब ज्यादा रेनफॉल चाहिए, बारिश की जरूरत तब ज्यादा होती है, और हार्वेस्ट के टाइम में इसमें सनशाइन ज्यादा चाहिए, धूप ज्यादा चाहिए, राइट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल। तो ऐसी जगहों पे होती है यहाँ जहाँ पे लोमी सॉइल हो। तो लोमी सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी रहती है, इसमें भी जो मॉइस्चर है वो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो वीट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है यूएसए में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पे वीट जो है अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में वीट की खेती होती है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। तो इंडिया में जब सर्दियों का समय होता है तब इसको उगाया जाता है। अब बात करते हैं मिलेट्स की। तो मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, ये लेस फर्टाइल सॉइल एंड सैंडी सॉइल में भी उग सकते हैं। अब हमने वीट और राइस के केस में पढ़ा कि वहां पे सैंडी जो सॉइल है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। वहां पे कैसी सॉइल चाहिए? क्लेई सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जिसमें नमी बहुत ज्यादा हो। बट मिलेट्स के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर सॉइल लेस फर्टाइल है मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं है, सैंडी है मतलब ज्यादा चिकनी नहीं है, ज्यादा वाटर को होल्ड नहीं करती है ना, रेतीली है, तो ऐसी सॉइल में भी मिलेट्स जो है वो उगाए जा सकते हैं। इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। तो मिलेट्स में जो है वो ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें कि ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती, अगर कम भी बारिश होगी तो भी चलेगा, तो भी ये जो क्रॉप्स है वो उग जाएंगी, और इनका जो टेम्परेचर है वो हाई से मॉडरेट के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, और रेनफॉल जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, एडिकेट होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा रेनफॉल की जरूरत है, नॉर्मल होगी बारिश तो ये क्रॉप उग जाएंगे। एग्जाम्पल कुछ मिलेट्स के वो हैं ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये जो कुछ मिलेट क्रॉप्स हैं वो इंडिया में उगाई जाती हैं। अदर कंट्रीज जहाँ पे मिलेट्स उगाए जाते हैं वो है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेज। मेज जो है इसको उगाने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी इसे अच्छी खासी चाहिए होती है, और बहुत ज्यादा सनशाइन चाहिए होती है। तो मेज को उगाने के लिए धूप बहुत ज्यादा चाहिए होती है। हमने गेहूं के केस में पढ़ा था कि जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, मतलब कि जब फसल को काटने का टाइम आता है, तब गेहूं के लिए ज्यादा सनशाइन की जरूरत है। बट मेज में क्या है कि लगभग थ्रू आउट ही इसके लिए ज्यादा सनशाइन चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं, बल्कि मेज को लगभग पूरे टाइम जिसमें इसे उगाया जा रहा है वहां पे सनशाइन चाहिए। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो कि पानी को अच्छे से सोख ले, फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। अब जो मेज है वो कहाँ कहाँ पे नॉर्मली उगाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, ये कुछ मेन कंट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादा मात्रा में मेज की खेती होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉटन, जो कि हमारी एक फाइबर क्रॉप है। तो कॉटन जो है इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा धूप चाहिए, गर्मियों में ये उगाई जाती है, बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए, मतलब कि इसके लिए बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बारिश चाहिए होती है इसके लिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, मतलब कम से कम 210 दिन ऐसे चाहिए फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री मतलब कि जहाँ पे जैसे सर्दियों में आपने देखा है ना कि क्या धुंध छा जाती है, कोहरा हो जाता है, तो 210 दिन चाहिए जहाँ पे कोहरा ना हो, बिना कोहरे के 210 दिन चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए, अच्छी धूप चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। तो जो कॉटन है वो सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल में उगती है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में ये सबसे अच्छे से होती है। अब महाराष्ट्र वगैरह में देखोगे वहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, और इसीलिए वहाँ पे कॉटन की खेती ज्यादा मात्रा में होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया
पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट, ये जो है कुछ कंट्रीज हैं जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में कॉटन की खेती होती है। सो कॉटन जो है वो एक लीडिंग, एक मेन रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब देखो जो कॉटन है वो कपड़ा बनाने के काम आती है, तो सबसे मेन जो रॉ मटेरियल है कॉटन क्लोथ्स के लिए वो कॉटन ही है, क्योंकि कॉटन से ही जो है यार्न बनता है, फिर यार्न से जो है क्लोथ बनेगा, पीस ऑफ क्लोथ, और फिर उसी से आपके जो कपड़े हैं वो स्टिच किए जाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। सो जूट की बात करते हैं जो कि दूसरा हमारा फाइबर क्रॉप है, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि जो जूट का कलर होता है ना वो थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उग पाता है, और इसको उगने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। तो आप नॉर्मली देखोगे जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह हो गए, बांग्लादेश हो गए, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिश अच्छी मात्रा में होती है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो जूट है उसकी खेती होती है, और क्लाइमेट भी नहीं कैसा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड मतलब ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे हवा में बहुत ज्यादा नमी हो। तो आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ नॉर्मली बारिश होती है, तो आपको लगेगा कि उनके जो हवा है उसमें नमी बहुत ज्यादा है ना, मतलब ठंडी ठंडी हवा लगेगी। और वहीं आप अगर ऐसी जगहों पे जाओगे जो बहुत ही सूखी है, रेगिस्तान वगैरह में जाओगे, तो वहां की जो हवा चलती है ना वो एकदम पत्थर जैसी लगती है, ऐसा लगता है कोई थप्पड़ मार के जा रहा है, इतनी गंदी हवा लगती है वहां की, लू की जिसे कहते हैं। तो उस लू में क्या होता है कि कोई भी नमी नहीं रहती, ह्यूमिडिटी नहीं रहती। तो जूट की खेती के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी हैवी चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, कम से कम नहीं चलेगा, और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। जो ये क्रॉप है जूट है ये ट्रॉपिकल एरियाज में उगाई जाती है, ट्रॉपिकल वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच का एरिया। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो इंडिया और बांग्लादेश जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में कॉटन को उगाते हैं। अब हम बात करते हैं बीवरेजेस क्रॉप की, ठीक है। तो बीवरेजेस में सबसे पहले बात करते हैं कॉफी। तो कॉफी जो है इसको वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, ऐसी ऐसा क्लाइमेट जो कि गर्म भी हो और साथ ही साथ उसकी हवा में नमी भी हो। वेल ड्रेन लोमी सॉइल, तो इसकी भी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, लोमी मतलब कि चिकनी होनी चाहिए, ज्यादा नमी वाली होनी चाहिए। और ये जो खेती है कॉफी की वो ज्यादातर हिल स्लोप्स में अच्छी हो पाती है, मतलब कि जो हिल की इस तरीके से स्लोप होती है ना, हल्की हल्की ढलाने, वहां पे इनकी खेती जो है कॉफी की वो अच्छी हो पाती है। ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, और मतलब सबसे ज्यादा जो कॉफी है वो ब्राजील में उगाई जाती है, उसके बाद कोलंबिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का। टी की बात करें, टी जो है वो भी एक बेवरेज क्रॉप है, और ये भी प्लांटेशन में उगाई जाती है। हमने पढ़ा था ना कि भी प्लांटेशन क्या होता है, कि जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी जमीनों पे इस तरीके से प्लांट्स उगाए जाते हैं, और इनमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह ये लोग नॉर्मली यूज करते हैं, लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो टी जो है वो प्लांटेशन में उगाया जाता है, कॉफी की जो है इसकी भी प्लांटेशन होती है। बट टी को उगाने के लिए क्या होता है, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। तो नॉर्मली आप देखोगे जो असम है उनकी हील्स पे, वेस्ट बंगाल में भी जो हील्स हैं उन पे आपको टी की खेती दिखाई देगी। हील्स पे क्यों, आप नॉर्मली देखोगे जब हील्स पे हम ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं पहाड़ पे, तो वहां पे टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, तो इसलिए आपको ना ज्यादा इन चीजों को रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को कनेक्ट करोगे कि देखो राइस जो है वो नॉर्मली कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल का क्लाइमेट कैसा है कि वहां पे बारिश अच्छी होती है, वहां पे एलुवियल साइल पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में राइस की खेती होती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल है, नदी के साइड में एलुवियल सॉइल होती है। तो देखो आपको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट किया, मैंने राइस जो क्रॉप थी उसे कनेक्ट किया, कहाँ पे वो पाई जाती है उसे कनेक्ट किया, और फिर देखा कि वहां पे नॉर्मली कैसा जो है टेम्परेचर होता है, कैसा क्लाइमेट रहता है, तो उससे मुझे याद करने की, एकदम ही रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो कि देखो हमने टी के जो गार्डन देखे हैं वो इस तरीके से हिल स्लोप्स पे देखे हैं, है ना, कि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, कभी देखा है खाली मैदान में इस तरीके से टी के जो गार्डन है उनकी फोटो कभी नहीं मिलेगी आपको, हमेशा जो टी गार्डन है वो हिल स्लोप्स पे देखने मिलेंगे, इस तरीके से टेरिस फार्मिंग पे दिखेंगे। तो हिल्स पे क्या होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, पहाड़ों पे नॉर्मली बारिश अच्छी होती है, ठीक है। तो हाई रेनफॉल चाहिए होती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि लगभग पूरे साल ही बारिश होनी चाहिए अच्छी मात्रा में, ऐसा नहीं कि भाई मानसून का सीजन हुआ बारिश हुई बस, नहीं, टी के लिए लगभग पूरे साल में अच्छी बारिश होनी चाहिए, इसीलिए ये ऐसे एरियाज में होता है जहां पे बारिश लगभग आपको पूरे साल देखने मिलेगी। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन इलाकों में बारिश लगभग मैंने जैसा बताया रोज होती है, ठीक है।
तो किस लिए पूरे साल बारिश चाहिए होती है? ताकि जो टेंडर लीव्स है, टेंडर मतलब जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, जो नए नए लीव्स होते हैं, उन्हीं से चाय पत्ती बनती है। मैंने जैसे बताया था कि जो लेबर्स हैं वो नई नई कोमल कोमल पत्तियों को चुनते हैं, फिर उन्हीं को ले जाके फैक्ट्रियों में सुखा के जो टी है वो बनती है। तो टेंडर लीव्स के ग्रोथ के लिए लगभग पूरे साल बारिश की जरूरत होती है। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है, वही ऐसी सॉइल जो चिकनी हो, जिसमें वाटर ज्यादा हो, और जेंटल स्लोप्स चाहिए। ठीक है, ये स्लोप्स पे, कॉफी भी स्लोप्स पे अच्छी होती है और टी भी स्लोप्स पे अच्छी होती है। लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि जो लीव्स हैं उन्हें चुनना होता है, और मशीनों की मदद से आप इस तरीके से लीव्स को नहीं चुन सकते। देखो, इंसान ही देख देख के जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उन्हें हाथ से चुनेगा, मशीन ये काम उतनी अच्छे से अभी नहीं कर पाएगी। आगे फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो एकदम एक्यूरेटली कोमल पत्तियों को चुन सके, वो अलग बात है, बट एट प्रेजेंट देर इज नो सच टेक्नोलॉजी विच कैन पिक द टेंडर लीव्स। तो ये जो काम है वो लेबर ही अच्छे से कर पाते हैं। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी टी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इस वीडियो में हमने मेनली हमारे जो क्रॉप्स थी, पूरे वर्ल्ड में मेनली कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनके बारे में बात किया। अब ऐसा नहीं है कि ये मेजर क्रॉप्स हैं तो इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, आप देखो, आप सब्जी खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, फ्लावर्स हम देखते हैं, ऑयल खाते हो, मतलब खाने में यूज करते हो, तो वो सब भी तो किसी ना किसी खेती से ही आ रहे हैं, कोई ना कोई जो प्रोड्यूस है वो कर रहा है उनको। तो ये है कि ये जो फ्रूट्स हो गए, सब्जी हो गई, वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती जितनी की ये क्रॉप्स होती हैं। तो इसलिए हमने मेजर क्रॉप्स जो है वो डिस्कस की हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि लोग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे उगा रहे हैं, राइट। अभी जो क्रॉप्स हैं, इनके जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जो इनके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको एकदम ही रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत चीजों को कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया राइस, और आप किस जगह पे वो उग रहा है उसको कनेक्ट कर सकते हो। टी देखो, नॉर्मली हमें किस तरीके से पहाड़ों में ही देखने मिलती है, जो फोटोज आप देखते हो, तो उस चीज को ऑब्जर्व किया करो। तो आपको ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप मेनली देखो इन चीजों में, आप इन सभी क्रॉप्स में आप मेन चीज नोटिस करोगे कि मिलेट्स को छोड़ के ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं उनको कैसी सॉइल चाहिए? एलुवियल सॉइल, लोमी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जो पानी को अच्छे से होल्ड कर सके। तो ये चीज कुछ में कॉमन है ना। ज्यादातर क्रॉप्स को हाई टेम्परेचर चाहिए, बट टी जो है उसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से कलेक्टिवली याद कर सकते हो कि सारी क्रॉप्स में, लगभग सारी क्रॉप्स में हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बट टी जो है अकेला उसे छोड़ के उसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए। तो आपको एकदम ही एक एक पॉइंट टू पॉइंट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत जो है टेस्ट के लिए आइडिया ले सकते हो, ठीक है। वैसे ऐसी चीजें जो है वो टेस्ट में मुश्किल ही पूछी जाती हैं, बट हाँ, हो सकता है 1-2 मार्क्स के लिए आपको या तो एमसीक्यूज वगैरह आ जाए, तो उसके लिए एक बार इस चीज को रीड जरूर कर लेना अपने आप से, ताकि आपके दिमाग में जो है ये चीज अच्छे से बैठ जाए।